नमस्कार साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में सबसे पहले मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज मंच पर हमारे साथ कई महत्वपूर्ण विभूतियां हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के महासचिव हरीश रावत जी, उत्तराखंड में लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे साथी प्रीतम सिंह जी, उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उत्तराखंड के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव दीपिका जी, और वो दोनों महत्वपूर्ण आदरणीय नेता जिनको लेकर आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता को बुलाया गया है। उत्तराखंड में जो कुछ क्षणों पहले तक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, मैं थे कहूंगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, आदरणीय यशपाल जी, और एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर आज राहुल गांधी जी से जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर चलने का निर्णय लिया है, श्री राजीव आर्य जी जो एमएलए भी हैं, यशपाल आर्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष रहे, 6 बार से विधायक हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश, 4 बार उत्तराखंड, वरिष्ठ मंत्री 1 से अधिक बार रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोषित वंचित गरीब और दलित समाज जो है उनकी बढ़ोतरी के लिए न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत में उन्होंने सकारात्मक और रचनात्मक कार्य किया है और उसके लिए वो संकल्पबद्ध भी रहे हैं। और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हम सबके नेता श्री राहुल गांधी जी से मिले, यशपाल आर्य जी ने, हमारे भाई संजीव ने कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन करने का और उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं और स्वागत की औपचारिकता देवेंद्र यादव जी जो लंबे अरसे से आपसे संवाद बनाए हुए थे, एक कांग्रेस परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर और जो हमारे प्रभारी भी हैं, और केसी वेणुगोपाल जी औपचारिक स्वागत करें, उससे पहले मैं ये अनुरोध करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से कि वो आपके लिए 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद हम स्वागत की औपचारिकता जो है उससे संपूर्ण करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज one of the happiest moments of the Congress party. Uttarakhand state is going to be having elections. Today, Yashpal Arya ji and Sanjeev Arya ji with us in this press conference.
is giving a clear to the Congress party. Six-time MLA, one of the senior most leader, always standing for the cause of grounded and marginalized people. Sanjeev also a promising, dynamic leader of Uttarakhand. Actually, today is a homecoming for all of both of them to this Indian National Congress. I am very much sure today morning they met Honorable Rahul Gandhi ji. They told Rahul Gandhi ji that now they are very much happy that we are all here in our old family. Rahul ji also told them that in coming days, your entry towards the Congress will definitely strengthen Congress party in Uttarakhand and for the country. On behalf of All India Congress Committee, I am wholeheartedly welcoming Yashpal Arya ji to Indian National Congress and also Sanjeev Arya ji. I am not going to tell much things. Now the wind is very clear in Uttarakhand. Wind is in favour of Indian National Congress. Harish Rawat is here. Our CLB leader is here. PSPCC president is here. I think they will brief the political situation. Anyway, once again, wholeheartedly, we are welcoming Yashpal ji and Sanjeev ji to our party. Thank you. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।